करते जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। एक दवा की दुकान में हमलावर घुसे, दुकानदार पर पिस्टल तानी और फिर देखते ही देखते फायर कर दिया। पूरी तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें कहां की हैं? हमलावर कौन थे और किसे गोली मारी गई? सब बताएंगे, लेकिन सबसे पहले इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए। ये दवा की दुकान है। दुकान में कैश काउंटर के पास कुर्सी पर बैठा दुकानदार पैसे गिन रहा है। बगल में काउंटर पर एक और लड़का खड़ा है जो दुकान का ही स्टाफ है। अब तक सब कुछ सामान्य है, तभी हाथ में पिस्टल लिए एक शख्स दुकान में दाखिल होता है। इस बदमाश के दाहिने हाथ में पिस्टल है और बाएं हाथ की उंगली से ये चुप रहने का इशारा करता है। हमलावर अकेला नहीं है, उसके साथ एक दूसरा बदमाश भी है जो कैश काउंटर के करीब जाकर पैसे निकालने की कोशिश करता है, लेकिन दुकानदार काउंटर बंद कर देता है। चेक शर्ट पहने यह बदमाश दुकानदार के पास पहुंचता है और दुकानदार को पकड़ लेता है। इसके बाद ये हमलावर दुकानदार पर गोली दाग देता है। दुकानदार फर्श पर गिर पड़ता है और दर्द से तड़पने लगता है। बदमाशों के डर से दुकान के पिछले हिस्से में छुपा बाकी स्टाफ बाहर निकलता है। बदहवास हालत में ये लोग किसी को फोन लगाते हैं, बीच बीच में जख्मी दुकानदार को संभालने की कोशिश भी करते हैं। इस बीच आसपास के कुछ और लोग दुकान में आ जाते हैं। जख्मी दुकानदार को फौरन अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। मर्डर की वारदात राजस्थान के भिवाड़ी की है, जहां सरेआम दुकानदार मनोज शर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है, लेकिन शहर के कारोबारी इस घटना से बेहद गुस्से में है। सुरेंद्र सिरोलिया, भिवाड़ी, राजस्थान, इंडिया न्यूज़।